रैली मत बनाओ यार, मैं गोवा की ट्रिप मार के आया हूँ तो हाल बेहाल है। अच्छे लग रहे हो बस थोड़े से काले। अभी मुझे बाल का काला बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने बाल स्ट्रेट करना चाहता हूँ। आप लोग को स्ट्रेटनर गोवा से आए हैं भाई साहब? गोवा में बहुत मजा आया, बहुत फन किया मैंने। कैसा वाला फन? अच्छा फन था, मेरे जूते छूट गए थे। मेरे को 4000 के 6000 के जूते छूट गए। कितने के? 8000 के थे। अभी अभी एक हफ्ते पहले बस में। और अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर वो जूते नहीं मिलेंगे तो मैं सेम खरीद लूँगा दोबारा, तो पापा को वही वाले मार सकते हैं, यही डाल दिया जाएगा। यहाँ हम लोगों को यश ने ज्वाइन कर लिया है, तो अभी गोवा से घूम के आए हैं और आज ज्वाइन किया कपड़े पूरे कैसे लेकिन कुछ मिला नहीं। कुछ क्यों नहीं मिला आपको? ऐसे नॉर्मल रोज की बात कैसे करके बात करती हूँ, कैसे करके बात करती हूँ मैं? कुछ मिला नहीं मेरे को। हेलो हाय एवरीवन, कैसे? हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यशो मेरी नकल कर रहा है, इतनी गंदी बिल्कुल ही बाहियात नकल थी। सब लोग से पूछना, लोग बताएंगे कि मैं सही थी कि गलत थी। और हम लोगों ने चाट प्लेटर और गार्लिक ब्रेड ऑर्डर किया है जो वेट कर रहे हैं और अभी तक आया नहीं है। आज ये पापा से मार खाएगा जाके। मैं जुगाड़ लूँगा उधार देना। 8000 के जूते घुमा के आया है बस, सोता रह गया। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास वापस। मम्मी आपको क्या रिएक्शन? 8000 के नहीं, 800 दोनों मिला के 4000 पता चला, 4000 के जूते 8000 के, 8000 के 50% ऑफ में 4000 के जूते थे जो बस में छोड़ के आ गए। 8000 के मम्मी ने खुलासा किया कि वो 8000 के नहीं थे, पापा मुझे 8000 के बोलने वाले। बस में ट्रैवल किया था 300 रुपये पिछली बार जब मैं गया था मनाली तो मैंने 4000 छोड़ दिया था, छोड़ दिया मुझे फिर से मिलने वाला। चाट प्लेटर में इसमें आपको दही पूरी मिल जाएगी, पानी पूरी आपको मिल जाएगी, ये चटनी है खटाई, ये सेव पूरी और ये चाट है शायद। और अच्छा ऑफर है, ग्राहक मिल जाएगी 150 पर आपको 150। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। दही पूरी में सिर्फ दही बचा है, पूरी पूरी खत्म है, लेकिन वो फिर भी पूरी खा रही है। ये मम्मी को समझाते क्यों नहीं आप आपकी बेटी को ऐसा करती हैं? तो समझ में नहीं आता। अभी बस की टिकट बुक करी है मिडिल वाली, जिससे एक्सीडेंट हो तो आगे से मरे ना। ड्राइवर मर जाए लेकिन ये बच जाए, इसका ये कहना है, ऐसा आपका इनका मानना रहता है। नहीं, अगर एक्सीडेंट हो तो मैं बच जाऊँ। हाँ आप बच जाओ, ड्राइवर मर जाए।
लोग बोलेंगे सही सोच, लेकिन साइड से हो गया तो क्या करोगी? साइड से हो गया तो क्या करोगी? हो गई आपकी चाट ली? चले हंसो मत यार, जूते छूट गए, दुख में हूँ मैं। जूते छूट गए ना मेरे भाई। बहुत ग्रेट सदमा लगा मैं। कैमरा तो वही है। आज आप सभी देखिए ये शॉपिंग के बाद हमारा घर कैसा हो चुका है। इधर से उधर पूरा सामान फैला हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये अभी रात के 1 बजे है जिसमें हमारा डिनर हो रहा है। इन्हें देख लीजिए, थका हुआ चेहरा है, कितनी थकावट है। कंटिन्यू शॉपिंग चल रही है 6 दिन से। हमारा वॉचमैन भी पागल हो गया है। कपड़े देखो, हमारा वॉचमैन रोज देखता है और बोलता है कि कहाँ से ले आ रही है, बोझा ढोड़ हो गए। आप देख सकते हैं इसके पहले जब शूट हुआ था कितना साफ सुथरा घर हुआ करता था। क्या दुकान बना और अब कैसा हो चुका है। ये मैडम, उनकी शादी है आज से ठीक 1 से 1.5 महीने बाद। और ये रात में गप्पियाँ पड़ी हैं, पता नहीं किससे, रात रात में नींद भी नहीं आ रही इनको। नींद चैन सब खो गया है मैडम का। ये सब सामान इनका फैला हुआ है और इनको समेटने की सुध-बुध नहीं है। ये देखो घड़ी में देख लो, बज रहे हैं। मैं विद प्रूफ बात करूँगी आप लोगों से। 1:15 हो रहा है। और ये 1:15 मतलब बड़े बड़े डार्क सर्कल लेके जाएंगे ये अपनी शादी में। भूल गए यशु, चढ़ गए जूते कहाँ? परसों आएंगे बोल दिया उसने। ठीक है तो यशु के बस स्लो कर दो। तो यशु के जूते मिल गए हैं यार। 2:40 तुम लोग सो गए कब यार, जल्दी सो। और जल्दी सो, अभी बज रहे हैं रात के 3 बजे। और रात के 3 बजे का मैं हाल दिखा देती हूँ। रात के 3 बजे हमारी ये अच्छी चाय और ये बुरी चाय, ये बुरी चाय बन रही है, ये अच्छी चाय और ये बुरी चाय, और ये अच्छी चाय। ये देखिए हमारे घर में ना चाय भी 2 तरीके से बनती है, क्योंकि ये बहुत बिना शक्कर की और ये कम शक्कर की। मैं थोड़ी हेल्दी चाय पीती हूँ, और अगर जिसको शुगर पेशेंट अगर आपको होना है तो ये मेरी हाथ की अच्छी चाय पीजिए। ये 3 किलो पीने वाले जो कि भयानक मीठी शीरा चाय होती है, मैं उसको शीरा चाय बोलती हूँ। और ये मेरी अकेले की चाय बन रही है। और ये लोगों की, ये रात को 3 बजे का हाल है। इनके कपड़े देख लीजिए आज। और कुछ बोलना है बड़ी? क्या हम जुड़वा दिखते हैं? नो, मैं ज्यादा खूबसूरत। यस, अदरक डाली नहीं आप तो? डाल चुके पहले अदरक। ये कौन डाल, ये कौन रखे? वो हट नहीं सकता है। नहीं वो मार ले, 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 ले चाय। ये इसकी चाय। छोटे को इसको मैं इस तरीके से पीटती रहती हूँ बार बार। बड़ी मत कर, अरे आज आज वो चाय जल्दी नहीं करूंगी क्योंकि एक दिन की आज कॉम्पिटिशन मत लगाओ। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई हूँ। हमारे यहाँ जो डस्टबिन पाई है वो ये है।
इसका टास्क है डस्टबिन निकाल के यही फेंकेगी जब नहीं डस्टबिन भाई बोझ के मैं चार्जर घुमा दूंगी ध्यान रख लेना ये रात को 3 बजे हमारे घर में मोबाइल देखा जाता चल डस्टबिन फेंक मम्मी रोज डस्टबिन फेंकवाती है डस्टबिन जल्दी जल्दी बाहर उसका काम है टास्क है घर में कुछ रहना है तो कुछ नियम कानून है डस्टबिन फेंको घेन आती है यार ये डस्टबिन भाई है ये उसका टास्क है हटना यार अच्छे से बाहर रख के ना ये देखो इतना सामान फैला हुआ है शादी का रात के 2:30 बजे कोई शहनाई बजे चाय पी तो दो मूर्तियाँ तेरी मूर्तियाँ एक वहाँ बाहर पी रही है एक की शादी होने वाली है अच्छा बाहर बैठी है और दो ये हैं दीदी के द्वारा डेकोरेशन किया गया है अकेली रहती है उस घर पे और बहुत से डेकोरेशन अरे ये रहती है पर कुछ करती नहीं है ये बस अच्छी चाय और गंदी चाय करती है ये डेकोरेशन है इस घर का बढ़िया मस्त ये मतलब ये देख लीजिए आपकी लड़कियाँ कितने अच्छे से रहते हैं थोड़ा फैला हुआ है बाकी लड़के होते तो आप जानते हैं कैसे गद्दा डाल के इधर कोने में गद्दा डाला रहे तो लेट जाते जैसे मैं लेटा हूँ नो टेंशन और ये दोनों बैठे हुए हैं जूम कैसे होता है ये इसी से ये है इस चैनल की ओनर रात के 3 बजे इनकी असलियत ऐसी है योशिता मिश्रा ये आप कहाँ से सीखी हुई है बोले बताओ कोई बात नहीं क्या कहना चाहोगी कुरी क्या कहना चाहोगी इस बारे में तो सही निकाल रही हो मेरे को जूम इन और जूम आउट करने में बड़ा मजा आ रहा है मैं तो वही कर रहा हूँ जब से मैं आपको तो ऐसा जूम क्यों कभी नहीं डालोगी चलो बाय